हेलो फ्रेंड, सवाल एक और है मेरे पास लगातार, जिसको खास करके ये सवाल है जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हो, सरकारी कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, जॉब कर रहे हैं उनके साथ है। और स्टूडेंट ऐसा सवाल नहीं करते क्योंकि उनको लगता है उनके पास 24 घंटे हैं, भले देते कम है अलग बात है, लेकिन उनको लगता है 24 घंटे उनके पास है। सवाल ये है, क्या क्या 4 या 6 घंटे पढ़ के पीसीएस जैसा एग्जामिनेशन निकाला जा सकता है? सवाल है ये, सवाल है। हाँ, इसका जवाब जो है वो हाँ में है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। 4 घंटे पढ़ के भी 5वें घंटे की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर सवाल उठेगा कैसे, ये एक अहम सवाल है, पहले वाला अहम नहीं था, ये अहम सवाल है, ये इंपॉर्टेंट है, कैसे निकलेगा पीसीएस? कोई भी हो, बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, कोई भी पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ हो, नहीं फर्क पड़ता है। समस्या पता है क्या है? समस्या ये है कि मेरे पास तो कॉल्स आते रहते हैं, तो समझ में आता है ना कि स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट, सब तो नहीं ऐसे होते, कुछ का नेचर क्या है। सर, बीपीएससी का सिलेबस बता दीजिए, ऐसे सवाल आते हैं। सर, बीपीएससी की तैयारी करनी है मुझे, मुझे एसडीएम बनना है। सर, उसमें क्या क्या पूछा जाता है आप एक बार सोचो, क्या क्या पूछा जाता है? अच्छा, हिस्ट्री के अंदर एंशियंट हिस्ट्री भी पूछा जाता है। अच्छा, ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पूछा जाता है। नहीं, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ना है। अच्छा, साइंस भी पढ़ना है। मतलब ऐसे लगता है कि बिल्कुल एलियन है, इस ग्रह के ही नहीं है, एलियन है। इस तरह के सवाल मतलब करते हैं लोग। अब यहां पे बात कर रहे हैं हम लोग 4 से 6 घंटे। 4 से 6 घंटे के अंदर जो पढ़ेंगे डेफिनेटली वो बहुत सीरियस होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑब्वियसली वो जॉब कर रहे हैं। या कोई स्टूडेंट ले लो ना, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको लगता है कम टाइम में मुझे निकालना है और बाकी टाइम में मस्ती करूं, घूमू फिरूं, कर सकते हो यार, आराम से कर सकते हो। आपके आसपास भी बहुत लोगों ने किया होगा, ऐसा कोई ये अनोखा काम नहीं है। सबसे पहले आपको जो एग्जाम दे रहे हैं उसका सिलेबस आपका क्लियर होना चाहिए, सिलेबस टिप्स पे होना चाहिए। क्लियर मतलब क्या? टिप्स पे आपको एक एक लाइन उसका याद होना चाहिए। और सिलेबस कहीं और का नहीं, ऑफिशियल सिलेबस जो कोई कमीशन निकालती है ना, जैसे बीपीएससी का है, यूपीएससी का है, छत्तीसगढ़ का है, झारखंड का है, ऑफिशियल सिलेबस आपको के टिप्स पे होना चाहिए। उसके बाद उसके अंदर जो भी चीजें ऐड करनी वो आप करते रहना। तो कितने नंबर का प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू पता ही नहीं है, तैयारी करने लग गए। तो ये नहीं, सिलेबस आपके टिप्स पे होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को लग रहा होगा क्या बात हो रही है, सिलेबस की बात हो रही है, पढ़ने की बात ही नहीं हो रही है। तो सिलेबस आपके टिप्स पे होना चाहिए। दूसरा, इतना ही सिलेबस के बराबर ही अहम है, वो है आपके पास अच्छे बुक्स और स्टडी मटेरियल्स होने चाहिए। बुक्स और स्टडी मटेरियल्स बहुत लोगों के पास होते हैं, बहुत लोगों के पास होते हैं, लेकिन आपको उसका अंबार नहीं लगाना, आपको लाइब्रेरी नहीं बनानी है। आपके पास सटीक, जिसको कहते हैं स्टडी मटेरियल और बुक्स, वो होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ताकि आप मैक्सिमम रिवीजन कर सके। ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट पे 10 किताब है, एक ही सब्जेक्ट पे 20 किताब है। और मैंने ये देखा है कि जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा बुक्स होता है वो प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पाते और उनका जो सक्सेस रेशियो वो कम है, और बहुत बार बहुत कम नोट्स से भी स्टूडेंट को अच्छे रैंक लाते हुए देखा है। यहां पे नाम नहीं ले सकता, बट रैंक यूपीएससी के अंदर भी लाते हुए देखा गया है, समझ रहे? तो आपके पास सटीक स्टडी मटेरियल, हर एक सब्जेक्ट पे 1 से 2 किताब, 1 से 2 किताब, और कोई नोट्स अगर है तो वो आप रख लीजिए, अपना नोट्स भी बना लीजिए। ये आपकी आपका जो आपके पास जो स्टडी मटेरियल, ये आपके पास होना चाहिए। सटीक स्टडी मटेरियल बहुत ही अहम है। अगर आपने ये नहीं किया तो आप किताब के बोझ के तले फरफराते रहेंगे, दब के मर जाएंगे और कुछ नहीं हो सकता। तो सटीक स्टडी मटेरियल बहुत ही जरूरी है, ये एकदम ही जरूरी है, उसके बाद ही कुछ। और एक और सजेशन है, ये जो स्टडी मटेरियल खरीदें या बुक्स खरीदें, आप एक ही बार भीड़ मत लगा लें। अगर आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी है या पॉलिटी पढ़नी है तो उसी का किताब खरीद के लाएं, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट सबके पास नजदीक होता है, और जो दूर है वो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, तो आप वहां से आराम से इजिली मंगवा सकते हैं और आराम से घर में बैठ के पढ़े, ठीक है? अकॉर्डिंग टू, जब सिलेबस पढ़ना हो तब लाएं। वैसे पहले के स्टूडेंट है तो कोई बात ही नहीं, पहले से आपके पास किताब है तो ऐसा नहीं हटा देना है, फिर से लेके आना है। जो किताबें हैं तो उसके साथ आप कंटिन्यू करें। तो ये स्टडी मटेरियल जरूरी है। उसके बाद प्रीलिम्स हो या मेंस हो या इंटरव्यू भी क्यों ना हो, आपको प्रीवियस क्वेश्चन देखना है। एग्जाम कोई भी हो, नहीं फर्क पड़ता, आपको प्रीवियस क्वेश्चन देखना है। प्रीवियस क्वेश्चन देखना ही नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व भी करनी है। और कैसे करनी है? प्रीवियस क्वेश्चन आपको सॉल्व करनी है, जिस चैप्टर को आपने समाप्त किया उस चैप्टर का क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए साथ साथ।
प्रीलिम्स की बात हो या मेंस की बात हो, उसके साथ साथ अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपने जब पढ़ाई की क्या छूट रहा है, क्या आपको और ऐड करना है। उसके अलावा उस एग्जामिनेशन का, जिस भी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो या कहीं का भी एग्जाम दे रहे हैं, आपको उस एग्जामिनेशन का नेचर पता चलेगा, बदलता हुआ पैटर्न पता चलेगा। उसके अलावा बहुत सारे एक ही टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन आप जब कर लोगे तो कुछ बचेगा भी नहीं, ठीक है, कुछ बचेगा भी नहीं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आपको आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर तो करना ही करना है, तो प्रीवियस ईयर को आप नहीं स्किप कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर आपको हर हाल में करनी है। एक और सवाल बार बार आता है कि आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक सब्जेक्ट को उठाते हैं और उसको समाप्त करने के बाद दूसरा सब्जेक्ट उठाते हैं। हर स्टूडेंट का अलग नेचर है, ये नहीं कहा जा सकता कि तरीका गलत है क्या सही है, क्या गलत है ये नहीं कह सकते। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो सिंपल सा नोट्स पढ़ के ही अच्छा कर लेते हैं, कुछ लोग किताब पढ़ के भी नहीं करते, तो एक नेचर होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन सामान्यतः जो जनरल बात कर रहा हूं मैं, तो जनरल बात में आप ये कर सकते हैं ना कि एक साथ एक बार में एक ही किताब को ना उठाए, हो सकता है वो बोरिंग हो जाए, और अगर बोरिंग हो गया तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। तो बेहतर है कि कम से कम दो, और मिनिमम दो, मैक्सिमम तीन, चार पे नहीं जाना, मिनिमम दो और मैक्सिमम तीन, इसके साथ आप अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। उससे क्या होगा, जैसे मान लो हिस्ट्री के साथ पॉलिटी डाल लिया, पॉलिटी के साथ साइंस डाल लिया, तो उससे क्या होगा, एक थोड़ा सा टफ सेक्शन रखें, एक थोड़ा सा इजी रखें, इंटरेस्ट बना रहेगा, और अलग अलग सेक्शन के अलग अलग सब्जेक्ट का किताब रहेगा, तो कभी एक डेढ़ घंटा वो पढ़ लिया, दो घंटा वो पढ़ लिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बना लिए, एक एक चैप्टर सॉल्व करते चले गए, धीरे धीरे दो तीन सिलेबस आपके 15 से 20 दिन के अंदर समाप्त हो जाएंगे। तो बेहतर क्या होगा, बेहतर यही होगा कि आप दो सब्जेक्ट से लेके तीन सब्जेक्ट, मिनिमम दो मैक्सिमम तीन सब्जेक्ट को लेके अपनी तैयारी को करें। एक और सवाल बार बार आता है वो ये है कि जो तैयारी करें, प्रीलिम्स की अलग करें, उसके बाद मेंस की करें या साथ करें। देखिए, सबसे बेहतर तरीका है कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ करें, क्योंकि ये दोनों आपको एक दूसरे के एग्जाम में मदद करता है। जैसे अगर आप मेंस के अंदर अगर 18, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, 1857 को ही मेंस के अंदर आप डाल दो, तो 1857 का इंपैक्ट क्या पड़ा, अगर इससे रिलेटेड घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप वो करने की स्थिति में रहेंगे। उसी तरह से अगर प्रीलिम्स के अंदर 1857 के सारे फैक्ट पढ़ लिए, तो मेंस के अंदर सिर्फ लिखना ही तो नहीं है, कहानी तो नहीं लिखनी है, फैक्ट भी डालना है, वो डालना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे बेहतर स्ट्रेटजी की अगर बात करें तो प्रीलिम्स और मेंस इन दोनों को लेके चलें। जैसे कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, आप मान लेते हैं अगर स्पेस टेक्नोलॉजी को उठा लेते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उसको भी आपने पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी बना लिए, प्रीवियस ईयर में उस तरह से पूछे गए क्वेश्चन जो मेंस में पूछे गए हैं उसको भी अगर आपने सॉल्व कर लिया, तो आपकी पढ़ाई पक्की हो गई। अब वो कच्ची पढ़ाई नहीं रही, वो पक्की पढ़ाई हो गई। अब वो वहां से आपका न प्रीलिम्स हिलेगा न मेंस हिलेगा। तो बेहतर तरीका यही है कि प्रीलिम्स और मेंस इन दोनों को एक साथ लेके चले, ये सबसे बेहतर स्ट्रेटजी होती है। अब एक और सवाल है, वो सवाल ये है कि ये जो आपके पास 4 या 6 घंटे का टाइम है उसको किस तरह से बांटे। कोशिश करें कि इसको दो अलग अलग टाइम में बांटे। अगर मॉर्निंग और इवनिंग दोनों का शिफ्ट निकल जाता है, दोनों में शिफ्ट निकलता है तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन नहीं है तो एक टाइम में भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट अगर सुबह और शाम दो अलग अलग टाइम में इसको आप बांट लेते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। एक बार पढ़ना थोड़ा सा थकाऊ हो जाता है, दो बार पढ़ोगे इंटरेस्ट बना रहेगा, और डेफिनेटली जो ऊपर में जो तरीके बताए गए हैं उसके साथ अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रहेगा। मतलब आप 4 घंटे पढ़ के भी, 5 घंटे पढ़ के भी कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं, कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं, और लोग करते भी हैं, ये कोई अनोखा बात नहीं है, लोग करते भी हैं, तो आप इजिली कर सकते हैं। तो इसका जवाब भी है कि हाँ, आराम से कर सकते हैं। ये बस सिलेबस और आपके पास जो बुक लिस्ट है, जो किताबें हैं, वो भी एग्जैक्ट होना चाहिए, टाइम का प्रॉपर यूज कीजिए, प्रीवियस ईयर का जो पेपर उसको सॉल्व कीजिए, हाँ क्वेश्चन भी बनाइए, टेस्ट सीरीज टाइप का क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लो, जिसका भी है वो आपको बताएगा कि कहाँ कहाँ कमी हो रही है, और उसके अकॉर्डिंग आप फिर इसको अपने पढ़ाई को उसके साथ मर्ज करें, डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा रिजल्ट। तो बहुत मतलब ये 5 घंटे पढ़ के भी कोई भी एग्जामिनेशन को आप निकाल सकते हैं।